फिर दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रंजना गुप्ता, आज मैं आपके लिए गुजरात की फेमस रेसिपी शेयर करूंगी, खमन ढोकला। ये बहुत ही लाइट वेट होता है, जल्दी से बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि खमन ढोकला की रेसिपी देखने के बाद आप दुकान से ढोकला नहीं खरीदेंगे। आज मैं आपको 250 ग्राम बेसन में ही आपको 1.5 किलो बताऊंगी कैसे बन जाता है। हम बाज़ार से लाते हैं, बहुत महंगा भी पड़ता है। आज मैं इसको टिप और ट्रिक के साथ बनाऊंगी, आप वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं खमन ढोकला बनाना। खमन ढोकला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इस पर एक हमें छन्नी रखनी है और मैंने 250 ml बेसन लिया है, आप देख सकते हैं। इसको हमें डालकर इसको छान लेना है। छानने से हमारा ढोकला अच्छा बनता है और फ्लफी बनता है। सारा छान लेना है जिससे इसमें कोई गांठे हो वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं बेसन में कई बार इस तरह से थोड़ी सी गांठे सी रह जाती है, ये निकल जाएगा, आपका ढोकला अच्छा बनेगा। अब हमें 2 टेबल स्पून हमने सूजी ली है, इसको भी डाल देंगे। 1 चम्मच हम चीनी ले रहे हैं, इसको हम डाल देंगे, ये नॉर्मल चम्मच है। और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, इसको भी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी ली है, हल्दी 2-3 चुटकी होनी चाहिए, हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, ये सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है। और हमने 300 ml पानी लिया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के घोल बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है जिससे इसमें गांठे नहीं पड़े और पानी ज़्यादा ना हो जाए, हमारा बैटर पतला ना हो जाए। ये हमारा 300 ml पानी खर्च हो चुका है, इसमें हमने 2 टेबल स्पून पानी बचा लिया है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इसको हमें 5 मिनट तक एक तरफ फेंटना है इसमें, जिससे हवा भर जाए। हवा भरने से हमारा ढोकला अच्छा बनता है, आप देख सकते हैं। इसको हमें जल्दी जल्दी फेंटना है और एक डायरेक्शन में ही करना है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख दे रही हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे बैटर को रखे हुए, और हमें हलवाई स्टाइल में बनाने के लिए और बाज़ार का बिल्कुल बैटर बनाने के लिए हमें ये आपको बाज़ार में मेडिकल स्टोर पे या आपको जनरल स्टोर पे मिल जाएंगी सिट्रिक एसिड, ये आप बाज़ार से लाके रख लीजिएगा। ये हमें 1 टीस्पून डालना है, इसमें हमें 1 टीस्पून लिया, इसमें हमें 2 टेबल स्पून पानी डालना है। इसे हमें पानी में ही घोल के डालना है, इसको हम सीधा डायरेक्ट नहीं डालेंगे। 2 टेबल हमें तेल डालना है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड या कोई सा भी। 1/4 चम्मच हमने खाने का सोडा लिया है, इसको हम डाल देंगे। 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। अब हम इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे हमें 2 मिनट तक फेंटना है। अब हमें जल्दी जल्दी से ये प्रोसीजर करना है क्योंकि इधर हमारा पानी उबल चुका है। इससे हमारा ढोकला बाजार जैसा लुक लाने के लिए हमें सिट्रिक एसिड यूज करते हैं हलवाई लोग, आप देख सकते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल बहुत अच्छा बाजार जैसा आएगा आपका, ये आप देख सकते हैं। दुगना हो चुका है हमारा बैटर। अब इसको हम एक तरफ रख देंगे। 3-4 हमने कटोरियाँ ली है, आप बाज़ार से हमारा कोई बर्तन नहीं मिलता है ढोकला रखने का, तो हमें आप घर में कटोरियों से भी बना सकते हैं। ये मैंने स्टील की कटोरियाँ ली है आम, इसमें हमें हल्का सा ऑयल लगाना है जिससे कि हमारा ढोकला डालें तो इसमें चिपके नहीं। बैट इस तरह से हम सारी कटोरियों में तेल लगा लेंगे। तेल हमारा चारों तरफ अच्छी तरह से लगना चाहिए, जब हम ढोकला निकालें तो वह आसानी से निकल जाए। आप चाहे तो इसमें नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं इस तरह से। पानी रख लिया है एक कढ़ाई में और इसको हमें उबाल लेना है। इधर हम बैटर भरने की तैयारी करते हैं, चम्मच से इन सबको भर लेंगे कटोरियों को। पानी
पानी में उबाल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। अब हमें नीचे एक छन्नी रखनी है या प्लेट भी रख सकते हैं, ये मेरे पास एक रखी थी छेद वाली प्लेट, इसको हम रख देंगे ढक्कन। अब पानी का लेवल नीचे रहना चाहिए इस तरह से, अगर आप और ये हम इन कटोरियों को इस तरह से रख देंगे। पंद्रह मिनट के लिए ढक के रख देना है और हमें इसको बिल्कुल टैक नहीं करना है, जिससे कि हमारे ये इसकी हवा निकल जाए। और इसको 15 मिनट तक तेज आंच पर हमें पकाना है, 10 मिनट हमें तेज आंच पर और 5 मिनट हमें धीरे गैस पर। एक हमने कढ़ाई रख ली है, इधर हम छौके की तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैंने 2 टीस्पून तेल डाला है सरसों का, ये मैंने पीली सरसों का यूज कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून हमने राई के दाने लिए हैं, ये 1 टेबल स्पून है, ये इनको हम डाल देंगे। राई हमारी चटक चुकी है, हम 3-4 मिर्चें लिए, इनको मैंने काट लिया था, इनको भी डाल देंगे। और 500 ग्राम हमने पानी लिया है, 500 ग्राम हमें पानी डालना है इस चौकले में। और 1/4 चम्मच हमने नमक लिया है, नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून दोबारा चीनी डालनी है पानी में, इसको उबाल आने तक हमें पकाना है, पानी कच्चा नहीं रहे इसलिए इसको उबालना है। मैं आपको निकालने का तरीका बता रही हूँ, ढोकला हमारा तैयार हो चुका है 20 मिनट बाद, और ये किनारे भी अपने आप से भी छोड़ देता है, नहीं तो आप चाकू से इस तरह से हल्का सा करेंगे, इसे निकाल लेना हल्का सा। अब इसे हमें कटोरी को पलट देना है और पीछे हाथ मारना है, कितनी आसानी से निकल गया। इधर हम टिश्यू पेपर जो हमने लगाया था बटर पेपर, इस तरह से निकाल देना है। आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है हमारा ढोकला, आप इस ये आप देख सकते हैं इसकी जालियाँ कितनी अच्छी बनी है। मैं आपको दूसरा पीस भी दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट है और कितना स्पॉन्जी है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ये देखिए। इसमें हमारे 5 पीस बने हैं, ये कम से कम 1 किलो पानी डालने के बाद बाजार जैसे आपका 1 किलो तैयार हो जाता है, 250 ml बेसन में आपका 1 किलो ढोकला तैयार हो जाता है। अब इसमें हमने गर्म पानी छौंक में जो गर्म पानी तैयार करा था, इसको हमें गर्म पानी डालना है, इसको ठंडा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपका ढोकला अच्छा नहीं बनेगा। इसे गर्म पानी ही ऊपर से ऐसे डालना है और जितनी देर आपका पानी में डूबा रहेगा उतना ढोकला आपका सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ढोकला बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ, ये मैंने आप सर्व करते समय थोड़ा सा धनिया और नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, उसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, ये इतना सॉफ्ट बना है आप देख सकते हैं, इसकी आपको मैंने जो दिखाया था। और इसे आप 4 पीस करके आप सर्व कर सकते हैं, और इसकी जालियाँ भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। जैसे नारियल का बुरादा डाल सकते हैं और मिर्च डाल सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। कमल ढोकला बनके तैयार हो गया है, मार्केट के स्टाइल में ही बना है, बिल्कुल मैंने आपको हलवाई के सारे राज खोले हैं, कैसे सॉफ्ट बनता है, कितना स्पॉन्जी है। और मैं आपकी इसकी टिप्स बता रही हूँ किस तरह से आपको बताना है। सबने पहली टिप्स मेरी है, जब मैंने आपको फेंटने का तरीका बताया, एक तरफ ही फेंटना है 5 मिनट तक, जिससे उसमें जितनी हवा भरेगी उतना ढोकला हमारा सॉफ्ट बनेगा। दूसरी टिप्स है कि हमें गर्म गर्म पानी डालना है, उसके बाद ठंडा पानी नहीं डालना है, अगर ठंडा पानी डालेंगे तो हमारा ढोकला बेकार हो जाएगा। और कटोरी या बर्तन से ढोकला निकालते समय गर्म ढोकले को नहीं निकालना है, ठंडा होने के बाद निकालना है, नहीं तो आपका मैं बार बार कह रही हूँ ढोकला टूट जाएगा, ठंडा होने के बाद आप ढोकला निकालिएगा। और चौथी टिप्स है कि हलवाई लोग सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं तो उसका स्वाद बाजार जैसा आता है, उसको आप यूज करना है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।